एस यूनियन के तहत, तो बाकी पैसा राज्य सरकारों को वहन करना होता है। तो ये एक बहुत दूरदर्शिता वाली स्कीम जो है, 62 साल पहले हमारे उस समय के जो नेतृत्व में लोग थे उन्होंने स्कीम चालू करी थी, और आज करीब 1.86 करोड़, करीब करीब 2.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हम ये सुविधा दे रहे हैं। तो मैं फिर से आज सभी जो महानुभाव हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हमको आशीर्वाद दिया है, हमको इंकरेज करा है अपनी तरफ से, अपने हमारे सारे साथियों की तरफ से, उनको मैं वेलकम करता हूँ। सब शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं आपका कार्यक्रम, क्योंकि हमारे बीच में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा, किसी कारणवश आज इस उद्घाटन में हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई हैं, पर उन्होंने एक मैसेज दिया है। मैं दरख्वास्त करूंगी मंजुला जी, मिस मंजुला DPRO, कृपया आगे आएं और उनका मैसेज हम तक पहुँचाए। माननीय सांसद महोदय जी अस्वस्थ होने के कारण आज के इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाई हैं। उन्होंने अपना संदेश भेजा है जिसे मैं यहाँ पढ़ने जा रही हूँ। आज ESI मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मंडी के भवन का लोकार्पण केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी के कर कमरों द्वारा संपन्न हुआ। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। यह योजना स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में एक ऐतिहासिक मील पत्थर है। मेरे संसदीय क्षेत्र में होने के कारण मैं इस महत्वाकांक्षी परियोजना से व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई हूँ। मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि ESI मेडिकल कॉलेज के भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित होती, किंतु मैं अस्वस्थ होने के कारण इन ऐतिहासिक क्षणों में स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ। एक और स्वयं मैंने तथा प्रदेश सरकार ने इस कॉलेज को आरंभ करने के लिए अथक प्रयास किए हैं, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा भी इस प्रक्रिया में